पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन प्रोविजंस रिलेटेड विथ सर्टेन क्लासेस कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। ये वर्ग कौन से रहेंगे? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस। लिख लो इनके आर्टिकल 330 से लेके 342 से 330 से लेके 342 आर्टिकल 330 से लेके ये क्लासेस कौन सी रहे? इनके लिए हम लोगों ने स्पेशल प्रोविजंस बना रखे हैं क्योंकि इनका हम लोगों को प्रोटेक्शन करना है, संरक्षण करना है। इसके अंदर हम लोगों के द्वारा यानी भारत के द्वारा इनके लिए क्या बनाए जाते हैं? कमीशन बनाए जाते हैं। पहला कमीशन लिखो नेशनल कमीशन फॉर एससी, एनसीएससी ऐसे लिखते चलो, नेशनल कमीशन फॉर एससी, अनुसूचित जाति का राष्ट्रीय आयोग। आर्टिकल याद करने यहाँ पे आर्टिकल कौन सा है? वेरी गुड, आर्टिकल 338। फिर एससी का कमीशन तो बन गया, एससी का कमीशन बनने के बाद में जिसका कमीशन बनाने की जरूरत है एसटी का, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, कौन सा? 338 ए आ गया। अब ये क्या पुराने जमाने में एक ही हुआ करते थे? नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी एक ही था, कौन से आर्टिकल में? 338 के अंदर था। फिर आया 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसे अलग कर दिया गया 2004 के अंदर, 2004 के अंदर एसटी के लिए अलग से कमीशन बना दिया गया और एक आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 338A कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 89th, कौन सा ईयर? 2004 के अंदर। फिर एक और बच गए जिनके लिए नेशनल कमीशन बनाया अभी 2018 में, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कौन सा? 338B, कौन सा संविधान संशोधन? 102 से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 102वां संविधान संशोधन 2018। ये जिस बेसिकली ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड है ये 1993 के अंदर ओरिजिन में आ गया था, ये भी लिख लो। वास्तव में कब बना था ये? 1993 में बना था, लेकिन 1993 में ये केवल क्या थी? लीगल बॉडी थी, और 2018 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। पहले इससे संबंधित एक कानून लाया गया था, बाद में इसको संविधान में ऐड कर दिया गया। अब बताओ स्पेशल क्लासेस के लिए कितने नेशनल कमीशन है? 3 नेशनल कमीशन, एससी, एसटी और ओबीसी। क्या ईडब्ल्यूएस के लिए नेशनल कमीशन है? नहीं है, याद रखना ये, ठीक है? ठीक है, संविधानी दर्जा उसे नहीं है। वुमन कमीशन का संविधानी दर्जा नहीं है, चिल्ड्रन कमीशन को नहीं, अभी तक केवल इन्हीं को, उनके लिए लीगल एक्ट्स बने हुए हैं, बाद में ऐड कर देंगे। जैसे ओबीसी को ऐड किया वैसे इनको भी ऐड कर देंगे। ओबीसी आयोग बने थे अलग अलग, पहला आयोग बना था काका कालेलकर की अध्यक्षता में, दूसरा आयोग बना बीपी मंडल की अध्यक्षता के अंदर, बीपी मंडल की जो रिपोर्टें हुई थी उन्हीं के आधार पर 27% रिजर्वेशन मिला। रिजर्वेशन बना तो 1992 का इंदिरा साहनी केस आया, इंदिरा साहनी केस आता है उसके अंदर 50% की रिजर्वेशन की लिमिट सेट कर दी जाती है कि 50% रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। फिर ओबीसी के द्वारा और अधिकारों की मांग करना तो उनके लिए अलग से कमीशन बना दिया जाना 1993 में, फिर उसी कमीशन को 2018 के अंदर संवैधानिक दर्जा दिया जाना, याद हो गया? फिर लिखो 17,